हेलो दोस्तों, इस वक्त सिंगापुर जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर की गवर्नमेंट बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक नया नियम लेकर आ चुकी है। नए रिस्ट्रिक्शन के तहत अब जो लोग भी सिंगापुर ट्रैवल करके जाएंगे उन सभी लोगों को आप क्वारंटीन फ्री ट्रैवल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि जो लोग भी भारत से या फिर किसी भी कंट्री से सिंगापुर जाएंगे तो ऐसे सभी लोगों को वहाँ पर कंपल्सरी अब क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो नया नियम लागू किया गया है ये 22 दिसंबर से लागू हो जाएगा। यानी कि 22 दिसंबर के बाद यदि आप सिंगापुर में ट्रैवल करके जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर जाने के बाद कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये रिस्ट्रिक्शन 22 दिसंबर 2021 से लेकर 20 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। यानी कि इस समय के दौरान जो लोग भी सिंगापुर ट्रैवल करके जाएंगे तो ऐसे सभी लोगों को वहाँ पर अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट आ रही थी इस वक्त सिंगापुर की तरफ से, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को देना जरूरी था। वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी लेटेस्ट खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।